अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान एस्ट्रो महमूद गिल और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कस्टम हाउस में और आज यहाँ इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जा रहा है, तो हमारे साथ रहिए। कैसे हैं आप? सर आज माशाल्लाह जो इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जा रहा है, इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज बेसिकली यही है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसके कारोबार के बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जो भी सरकारी महकमे हैं वो लोगों के लिए काम को आसान बनाए, ताकि जो कारोबार हैं, जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोग हैं, वो अपनी तवज्जो कारोबार पे ज़्यादा टाइम दें और उनको दफ्तरों के कम चक्कर लगाने पड़े। तो यही हम चाह रहे हैं, यही हमारा मैसेज है कि जी हमने मिल के सब ने चीज़ों को इतना आसान बनाना है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम तेज़ तर हो, आसान तर हो और सस्ता तरीन हो। कस्टम्स डे मनाने का मकसद जो है वो ये है कि हम पूरी कौम को बताएं कि ये एक इंटरनेशनली एक सेलिब्रेटेड फंक्शन है जो कि हर साल ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम कस्टम स्टेशन में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और कस्टम्स की अहमियत को उजागर करना इसका मकसद है। और हम अपनी कौम को भी ये बताना चाहते हैं कि किस तरह हम जो है वो अपनी मईशत की जो है वो हिफाजत करते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करके और एंटी स्मगलिंग को एनफोर्स करके। पाकिस्तान कस्टम्स इज़ द गार्डियन ऑफ द इकोनॉमिक फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, और हम हर रोज़ ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी अपनी कैपेसिटी में, बेशक बॉर्डर्स पे पोस्टेड हों या पोर्ट्स पे पोस्टेड हों या एयरपोर्ट्स पे, कि मुल्क की हिफाजत और मुल्क की इकॉनमी में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करें। तो इंशाल्लाह आज के दिन वो जज्बा रिन्यू और सुरखरू हो गया है और हम इसी जज्बे के साथ अगला पूरा साल भी मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ये बड़े ऑनर की बात है कि जैसे इंटरनेशनली जो है कस्टम्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो पाकिस्तान कस्टम्स भी जो है, क्योंकि बहुत ही बड़ा इदारा है पाकिस्तान का और बड़ा प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, और जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेशन में पाकिस्तान कस्टम्स का बहुत बड़ा हाथ है। जी आज पूरी दुनिया में जो कस्टम्स फेटर्निटी है वो 40th इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट कर रही है, और इसी तरह पाकिस्तान में जो कराची विंग है उन्होंने आज कस्टम हाउस में इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट किया है। मुख्तलिफ जो हैं डिपार्टमेंट्स, उनके सारे सीनियर रैंकिंग ऑफिसर्स ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, और आज की जो थीम थी इंटरनेशनल कस्टम डे की इस साल की, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट हम लोगों ने इसके ऊपर बात भी की है, इसको इनकलकेट करने की कोशिश भी है। और उसके अलावा कोई भी ट्रेड से रिलेटेड अगर इश्यूज आ रहे हैं, ट्रेड को कोई इश्यूज हैं, कोई बोनाफाइड ट्रेड है जिसको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह इस साल कस्टम्स का फोकस रहेगा। देखें जी, एक बहुत ही जो है वो अच्छा इवेंट रहा है। मैं इसमें बात कहूँगा कि जैसे मैडम ने बात की कि डिफरेंट एजेंसीज़ के लोग यहाँ पर आए थे, तो पूरा साल जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन रहती है फॉर अ बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो होना भी यही चाहिए। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जब तक मिलकर काम नहीं करेंगी तो पाकिस्तान उसमें आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में आपका भी एज अ मीडिया इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सब डिपार्टमेंट्स की जो पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्शन उस पर फोकस करें, तो इंशाल्लाह जो है वो कलेक्टिवली जो है वो मुल्क आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, शिरकत की और काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो कस्टम से कंसर्न है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ पे वर्क करते हैं। आज उनका इनविटेशन था, आज जैसे कि इंटरनेशनल डे आज मनाया जाता है कस्टम का, और इसमें बड़ी तादाद के अंदर जो इनके सरबराह हैं और साथ में इनके जो बेहतरीन जो है वो प्रोग्रेस के ऊपर काम करते हैं, आज उनको अवार्ड की तकरीब भी उनके लिए मंत की, और इसमें काफ़ी लोगों ने भी शिरकत की, उसमें मेरा भी आना हुआ। और जैसे आम दिनों के अंदर हर एक दिन मखसूस कर दिया गया है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे एजुकेशन का डे कुछ दिन एक दो दिन पहले हुआ, इसी तरीके से टीचर डे मनाया जाता है, हेल्थ से कंसर्न डे मनाया जाता है, तो आज के दिन जो है वो एक मुझे बड़ा इम्प्रेस भी मैं हुआ कि काफ़ी नॉलेज यहाँ आके मिली,
कि कस्टम के जो ऑफिसर्स हैं, कस्टम की जो यहाँ टीम है वो क्या क्या वर्क कर रही है और किन किन जो है वो अपने फ्राइज किन किन जगहों पर जो है वो अंजाम दे रही है।